और कैरिंग स्ट्रैप भी मिलने वाला है आराम से, आप पोर्टेबल तरीके से कहीं भी कैरी कर सकते हैं, आउटिंग करते हैं दोस्तों के साथ, ट्रिप्स करते हैं, घूमते फिरते हैं। और इसमें आपको दोस्तों बिल्ट इन माइक्रोफोन भी मिलने वाला है स्पीकर में ही, इसमें आप हैंड्स फ्री कॉलिंग कर सकते हैं। और कॉलिंग के लिए आप लोगों को पता ही हम लोग क्या करने वाले हैं। तो क्या हाल है दोस्तों आप लोगों की, अगर आप एक प्रीमियम सेगमेंट का ब्लूटूथ स्पीकर कंसीडर करने का सोच रहे हैं इंडोर या आउटडोर कंडीशन के लिए, जिसमें आपको आउटपुट से और फीचर से कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, तो इसको आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। यह है ट्रिबिट स्टॉर्म बॉक्स फ्लो ब्लूटूथ स्पीकर और इसका प्राइसिंग है वैसे 7,000 रुपीज के आसपास, लेकिन अमेजोन पर आपको कुछ ना कुछ कूपन कोड मिल जाएगा, उसको अप्लाई करके इसको अप्रॉक्सीमेटली 5,500-6,000 रुपए के आसपास ग्रैब कर सकते हैं। वैसे मैंने बेस्ट पॉसिबल लिंक्स भी दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट करके इसका करंट प्राइस चेक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक्जैक्टली आप देख लीजिए यहां पर जो बिल दी गई है, काफी आपको प्रॉमिसिंग मिल जाएगी स्पीकर की। और इसमें 25 वाट्स का आपको आउटपुट मिलने वाला है, हम साउंड टेस्ट भी करेंगे, इसमें आपको बिल्ट इन माइक्रोफोन मिलने वाला है, हम कॉलिंग टेस्ट भी करेंगे, इसको आप TWS मोड में प्ले कर सकते हैं, दो ऐसे स्पीकर्स को आप आपस में कनेक्ट करके पार्टी बोर्ड में प्ले कर सकते हैं, एप्लीकेशन का सपोर्ट भी मिल जाएगा। सारी आपको डिटेलिंग टेस्टिंग के साथ पता चल जाएंगे इस वीडियो में, ताकि अगर आप एक प्रीमियम सेगमेंट का ब्लूटूथ स्पीकर कंसीडर करने का सोच रहे हैं एंड तक पहुंचते आप डिसाइड कर ही लेंगे कि इसको आपको ऑप्शन में रखना चाहिए कि नहीं। So hope you like this one, and if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible, so we can make more good stuff for you all. So let's get started. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस प्रीमियम से बॉक्स की अनबॉक्सिंग के साथ। तो यहाँ पर आपको ट्रिबिट स्टॉर्म बॉक्स फ्लो ब्लूटूथ स्पीकर का ऐसे बिल्कुल आपको प्रीमियम सा काफी बढ़िया पैकेजिंग दी गई है यहाँ पे ब्रांड की तरफ से, एंड काफी फीचर्स मेंशन किए गए, सब आगे डिटेलिंग में चेक किए जाएंगे। इसको हम जैसे अनबॉक्स करेंगे तो यहाँ पर मेंशन है टेक द बीट एनीवेयर, ओके। और देख सकते हैं आप एक एक चीज बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ पे पैक की गई है। सबसे पहले आपको यूजर मैनुअल मिलने वाली है, इसमें आपको सारी डिटेलिंग मिल जाएगी प्रोडक्ट के बारे में, कैसे इसके बटन कंट्रोल्स वर्क करते हैं, क्या क्या इसके फीचर्स है, सब डिस्कस करेंगे हम वैसे डिटेलिंग में इस वीडियो में। एक यहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी के आप बोल सकते हैं, अच्छी लेंथ की आपको टाइप सी टू टाइप सी केबल मिलेगी टू चार्ज योर स्पीकर। और मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे, दिस इज द स्पीकर यू विल बी गेटिंग। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा आपको बल्कि सा पूरा टफ लुक एंड फील का आपको स्पीकर मिलने वाला है। फ्रंट में यहाँ पे आपको ऐसे ग्रिल्स मिलने वाली है, पूरी आपको प्लास्टिक में मिल जाएगी स्पीकर की। और यहाँ पर जो क्वालिटी यूज की गई प्लास्टिक की, टफनेस से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं है, काफी आपको सॉलिड बिल का आपको स्पीकर मिलने वाला है। ऊपर आपको सारे के सारे मल्टीफंक्शन बटन्स मिल जाएंगे, इनके थ्रू आप सारे के सारे फीचर एक्सेस कर सकते हैं, सब डिटेलिंग में आगे चेक करेंगे। और यहाँ पर आपको एक टाइप सी का पोर्ट मिलने वाला है, यहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं स्पीकर को। और अगर आपको यहाँ पे इमरजेंसी के टाइम में अपना फोन चार्ज करना है या कोई डिवाइस चार्ज करना है, ईयरबड्स हो गए, तो वो भी आप इमरजेंसी के टाइम पे स्पीकर के थ्रू भी चार्ज कर सकते हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक कैरिंग स्ट्रैप मिलने वाला है बढ़िया क्वालिटी का, इसको आप आराम से ऐसे कैरी कर सकते हैं स्पीकर को, यहाँ पे पोर्टेबल तरीके से कहीं भी ले आ सकते हैं आउटिंग करते हैं तो। अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से इसको डिटैच भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। नीचे आपको दो स्टैंड्स मिलने वाले हैं, बैक साइड में भी आपको चार स्टैंड्स मिल जाएंगे। अगर आप चाहते तो स्पीकर को आप ऐसे भी प्लेस कर सकते हैं या फिर आप सिंपली इसको ऐसे प्लेस कर सकते हैं जो आपको कन्वीनियंट लगे। साथ ही में आपको IP67 वाटर प्रूफ एंड डस्ट प्रूफ फीचर भी दिया गया है, अगर डस्ट लगता है, पानी के स्प्लैशेस लगते हैं, रेन में यूटिलाइज करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली ऐसे स्पीकर को। और अगर हम इसकी फंक्शनलिटी और कनेक्टिविटी की बात करेंगे, जो यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का बटन है, इसको अगर आप सिंपली सिंगल प्रेस करेंगे तो पावर ऑन हो जाएगा। और जो ब्लूटूथ वाला बटन है यहाँ पे, इसको अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे तो ये पेयरिंग मोड में आ जाएगा। फिर आप सिंपल स्टेप से फोन में अपने कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हैं स्पीकर पार्ट को लेकर। और इसमें आपको डुअल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन भी दिया गया है, एक टाइम पे आप दो फोन से कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट है। और यहाँ पर जो बीच वाला बटन है, इसको अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे तो म्यूजिक प्ले होगा, फिर से सिंगल प्रेस करेंगे म्यूजिक पॉज होगा। इसी को डबल प्रेस करेंगे ये नेक्स्ट ट्रैक पे लेके जाएगा, इसी को अगर आप ट्रिपल प्रेस करेंगे तो प्रीवियस चेक पे लेके जाएगा। प्लस को अगर आप सिंगल प्रेस या लॉन्ग प्रेस करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होती जाएगी, माइनस को अगर आप सिंगल प्रेस या लॉन्ग प्रेस करते हैं वॉल्यूम डिक्रीज होती जाएगी। और बीच वाले बटन को अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे 2 सेकंड्स के लिए, जो वॉइस असिस्टेंट फीचर है वो एक्टिवेट हो जाएगा, आप कमांड से यूटिलाइज कर सकते हैं। किसी का कॉल आ रहा है एक्सेप्ट करने के लिए, बीच वाले बटन को सिंगल प्रेस कर देंगे तो कॉल एक्सेप्ट हो जाएगा। चलती हुई कॉल को रिजेक्ट करने के लिए फिर से बीच वाले बटन को सिंगल प्रेस कर देंगे तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। इनकमिंग कॉल को डायरेक्टली रिजेक्ट करने के लिए बीच वाले बटन को अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे 2 सेकंड्स के लिए तो कॉल डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। और यहां पर आपको EQ इक्वलाइजर का बटन दिया गया है स्पीकर में ही, इसमें आपको 3 बिल्ट इन इक्वलाइजर मोड्स मिलने वाले हैं। इसको अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे तो इक्वलाइजर मोड्स चेंज होते हैं। यहां पे अगर व्हाइट लाइट दिखा रहा है तो मतलब ये एक्स बेस मोड में है, बेस मोड में है। यहां पे अगर आपको ये ब्लू लाइट दिखाएगा तो मतलब ये ऑडियो बुक मोड में है। यहाँ पर अगर आपको कोई लाइट नहीं दिखा रहा है, लाइट ऑफ हो गई, तो मतलब ये डिफॉल्ट मोड में है। आपको बेस से फोकस जाना है, वोकल से फोकस जाना है, आपको बैलेंस आउटपुट चाहिए, उस हिसाब से आप इक्वलाइजर मोड को स्विच करके यूटिलाइज कर सकते हैं आउटपुट लेके। बाकी इसमें आपको TWS मोड भी दिया गया है, आप एक टाइम पे दो स्पीकर्स को ऐसे आपस में कनेक्ट करके पार्टी मोड में भी प्ले कर सकते हैं। और यहाँ पर इनमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिलने वाला है, ऑक्स की कनेक्टिविटी नहीं दी गई, सिंपली आप ब्लूटूथ के थ्रू पेयरिंग कर पाएंगे, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और इसमें आपको ट्रिबिट एप्लीकेशन का सपोर्ट भी दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रिबिट स्टॉर्म बॉक्स फ्लो का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा देगा। और कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के बाद सिंपली यहाँ से आप प्ले पॉज कर सकते हैं, ट्रैक्स आप चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन पार्ट के थ्रू भी। और मल्टीपल यहाँ पे आपको इक्वलाइजर मोड्स मिलने वाले हैं, यहाँ पर आपको एक्स बेस को ऑफ करना है, एक्स बेस मोड, ऑडियो बुक, क्लासिक, रॉक, जैज, कैसा आपको आउटपुट चाहिए।
कस्टमाइज पे आप जाएंगे तो कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से आउटपुट। यहाँ पे आप इक्वलाइजर मोड को सेट करके जैसा आपको आउटपुट चाहिए, वोकल से फोकस डाला है, बेस से फोकस डाला है, आप आउटपुट सेट करके आउटपुट ले सकते हैं स्पीकर पार्ट के थ्रू। यहाँ पर आपको मल्टीपल और भी सेटिंग्स मिलने वाली है, यहाँ पे आपको टाइमली अपडेट्स आते रहते हैं, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बेसिक आपको चीजें मिलने वाली है, एप्लीकेशन पार्ट से आप करेक्ट करके इक्वलाइजर मोड को स्विच करके आउटपुट ले सकते हैं स्पीकर पार्ट के थ्रू। और इसमें आपको बिल्ट इन माइक्रोफोन भी दिया गया है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। यहाँ पर आप हैंड्स फ्री कॉलिंग भी कर सकते हैं। आप हमारा देखिए DRS दीक्षा रिव्यू सिस्टम स्पीकर के थ्रू। हेलो, हाँ दीक्षा, क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, बेबी के साथ सॉन्ग सुन रही थी, पापा मेरी जान। अच्छा, बहुत बढ़िया, पापा मेरी जान बेबी सुन रही है मेरे लिए। हाँ। अच्छा, अरे अभी मेरे पास यहाँ पर ना ट्रिबिट ब्रांड की तरफ से इनके एक स्टॉर्म बॉक्स फ्लो करके स्पीकर लॉन्च हुए हैं, तो इसमें क्या बिल्ट इन माइक्रोफोन भी है। अच्छा। तो मैं ऐसी पार्क साइड कंडीशन में हूँ, स्पीकर के थ्रू बातचीत कर रहा हूँ, तो मेरी आवाज तो मैं कंपैरेटिवली कैसी आ रही है? आवाज तो काफी क्लियर आ रही है, वोकल्स काफी क्लियर है, लाउडनेस भी काफी अच्छी है। हाँ, तुम्हारी आवाज भी काफी बढ़िया तरीके से मुझे सुनाई दे रही है स्पीकर के थ्रू। ऐसे कोई दिक्कत आ रही है वैसे कॉलिंग पार्ट को लेके? कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है दीक्षा, मस्त कॉलिंग चल रही है। ओके, इसी से बात किया करो। ठीक है, थैंक यू, बाय। और यहाँ पर अगर हम इसके बैटरी लाइफ की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको सिंगल चार्ज में अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 25 से 30 घंटे का प्ले टाइम मिलेगा ऑन सिंगल चार्ज। वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, कितनी वॉल्यूम पे सुनते हैं। और इसको फुल चार्ज करने में अप्रॉक्सीमेटली आपको 3 से 4 घंटे लग जाएंगे ब्लूटूथ स्पीकर को फुल चार्ज करने में। और इसमें आपका 25 वॉट्स का आपको आउटपुट मिलने वाला है, साउंड आउटपुट लगे आप देख लीजिए साउंड टेस्ट इस स्पीकर के थ्रू। अब we've been playing stupid games, the situation rotates, and they say communication save relations, okay, medicated how I'm patient, wasting time ain't the way, cause I can see it on your face, I've been tossing, turning, staying up all night long. साउंड टेस्ट देख के आपको एक अंदाजा लग गया होगा आउटपुट आपको कैसे मिलने वाला है। यार आउटपुट काफी आपको बढ़िया मिल जाएगा, बढ़िया आपको लाउडनेस मिलने वाली है। मेनली अगर आप इंट्रो कंडीशन में 10 से 15 लोगों के बीच भी आप एंजॉय करना चाहते हैं म्यूजिक को, लाउडनेस आपको बढ़िया मिलने वाली है। आउटडोर में भी आप जाते हैं, आउटिंग करते हैं, ट्रिप्स करते हैं, अगर आप पोर्टेबल तरीके से बैग में कैरी करके कहीं पर भी ले आना चाहते हैं, दोस्तों के बीच में म्यूजिक एंजॉय करना चाहते हैं, इसको आप डेफिनेटली बढ़िया लाउडनेस अच्छी आपको डिटेलिंग मिल जाएगी इसके म्यूजिक पार्ट को लेकर। इसमें जो अलग अलग इक्वलाइजर मोड्स है आपको बेस में सुनना है तो एक्स बेस यहाँ पे जो मोड दिया गया है बेस इफेक्ट्स काफी आपको बढ़िया प्रोवाइड कर देगा। जो ऑडियो बुक मोड है बेस काफी कम कर देगा, बिल्कुल वोकल से प्रॉपर तरीके से फोकस डालेगा। और जो डिफॉल्ट मोड है आपको बिल्कुल बैलेंस म्यूजिक और बेस का आपको आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। इसके आउटपुट को लेके, लाउडनेस को लेके, इसके डिटेलिंग पार्ट को लेके, अगर आपको यहाँ पे डिटेलिंग से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, एक परफेक्ट ब्लूटूथ स्पीकर सर्च कर रहे हैं 5-6 हज़ार रुपए के आसपास, इसको आप डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हैं। आउटपुट को लेकर मैं पर्सनली काफी इंप्रेस हुआ हूं। फिर मेरे हिसाब से प्राइस पॉइंट के हिसाब से बिल्कुल जस्टिफाई करता है, क्योंकि इसकी जो टफनेस दी गई है, बिल्ड क्वालिटी दी गई है और जो फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, इसमें आपको हैंड फ्री कॉलिंग का फीचर मिल जाएगा, मैसिव आपको आउटपुट मिलने वाला है, अच्छी आपको बैटरी लाइफ मिल जाएगी, मल्टीपल आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं एप्लीकेशन सपोर्ट के साथ, इसको आप डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हैं। अगर आपका बजट 5-6 हज़ार रुपए के आसपास है, ये एक बढ़िया ऑप्शन रह सकता है आपके लिए, अगर आपको इंडोर आउटडोर कंडीशन के लिए एक परफेक्ट ब्लूटूथ स्पीकर चाहिए। तो मैंने बेस्ट पॉसिबल लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आया तो चेकआउट करके ग्रैब कर सकते हैं। आपको अभी भी कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। So this was all about the unboxing, review, sound test, calling test and the complete testing of the Tribit Storm Box Flow Bluetooth speaker. Hope you like this one, and as I told you, if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. Thank you for watching this one and see you in the next video. Thank you.